राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कार्यक्रम। देलवाड़ा के जैन मंदिर। जब रेलगाड़ी आबू रोड स्टेशन पर पहुंची सवेरा हो चुका था। स्टेशन के बाहर माउंट आबू जाने के लिए बसें तैयार खड़ी थीं। अपना सामान लेकर हम एक बस में जा बैठे। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी। रास्ते में चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। बस जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लगी गर्मी कम होती गई। माउंट आबू समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है। ऊपर पहुंचकर आबू की शीतल हवा से रास्ते की सारी थकान दूर हो गई और हरी भरी पहाड़ियों को देखकर मन प्रसन्न हो गया। बस से उतरकर हम चाय पीने बैठे। वहां और लोग भी थे, वे भी आबू के दर्शनीय स्थानों को देखने आए थे। पूछताछ करने पर उनमें से एक ने बताया कि वैसे तो इस पहाड़ पर अनेक दर्शनीय स्थल हैं, पर यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं देलवाड़ा के जैन मंदिर। आप पहले इन्हें ही देखिए। दर्शकों के लिए ये मंदिर 12 बजे खुलते हैं। अभी काफी समय है। इस बीच आप नक्की ताल भी देख सकते हैं। नक्की ताल अधिक दूर नहीं है। हम नक्की ताल देखने चल दिए। ताल क्या, ये तो एक अच्छी खासी झील थी। ताल में एक और सीढ़ियां बनी हुई थी। कुछ लोग सीढ़ियों पर स्नान कर रहे थे और कुछ ताल के गहरे पानी में तैर रहे थे। हमने ताल के किनारे एक पेड़ के नीचे भोजन किया, फिर देलवाड़ा के मंदिर देखने चल दिए। देलवाड़ा में कई जैन मंदिर हैं। इनमें दो मुख्य हैं, एक नेमिनाथ जी का और दूसरा आदिनाथ जी का। नेमिनाथ जी का मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर बाहर से देखने में तो इतना आकर्षक नहीं लगा, पर अंदर जाकर तो हम चकित ही रह गए। मंदिर के वातावरण में
शांति थी। भगवान नेमिनाथ जी की सोने की मूर्ति जगमगा रही थी। नेमिनाथ जी के मंदिर के पास ही प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का मंदिर है। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाइयों ने सन 1230 के लगभग बनवाया था। नेमिनाथ जी के मंदिर की अपेक्षा ये मंदिर बहुत बड़ा और आकर्षक है। सारा मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग में संगमरमर की कलाकृतियों का सौंदर्य और भी खिल उठा है। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी और ही दुनिया में आ पहुंचे हों। मंदिर की दीवारों, छतों और स्तंभों पर सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, कहीं तीर्थंकरों की, कहीं अन्य देवी देवताओं की। वहां तरह तरह के भारतीय वाद्यों और राग रागनियों की आकृतियां भी बनी हुई हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न पशु पक्षियों की मूर्तियां भी हैं। इन सभी मूर्तियों और आकृतियों को देखकर ऐसा लगा मानो वे अभी बोल उठेंगी। मंदिर की छत पर निगाह जाते ही आंखें वहीं गड़ गईं। छत में संगमरमर की इतनी बारीक खुदाई, इतनी सुंदर नक्काशी क्या कहीं मिलने संभव है? यहाँ तो मानो पत्थर में प्राण भर दिए गए हैं। मूर्तियों के आभूषणों को देखकर कौन कह सकता है कि ये पत्थर के बने हैं? एक एक मूर्ति, एक एक फूल, एक एक कली, एक एक बेल सजीव जान पड़ती है। मैंने मन ही मन उन कलाकारों को प्रणाम किया जिन्होंने पत्थर की ऐसी सजीव और सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया था। मुख्य मंदिर के आंगन से बाहर निकलकर हम एक बरामदे में पहुंचे। यहाँ दीवार में एक ओर से दूसरी ओर तक छोटे छोटे मंदिर बने हैं। इनमें जैन तीर्थंकरों की सुंदर सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। सभी मूर्तियां संगमरमर की हैं। रमेश आश्चर्य और प्रशंसा से इन कलाकृतियों को देख रहा था। उसने कहा, भैया जरा इन मूर्तियों को देखो, इन आभूषणों, फूल पत्तियों और बेलों को ध्यान से देखो, कोई भी दो कलाकृतियां एक सी दिखाई नहीं देती। मैंने ध्यान से देखा, रमेश की बात ठीक थी। सभी कलाकृतियां एक दूसरे से भिन्न थी। कलाकारों ने कितनी लगन और कितने परिश्रम से इनका निर्माण किया होगा, फिर कितनी कुशलता से इन्हें जगह जगह लगाया होगा, ये वास्तव में प्रशंसनीय है।
मैंने रमेश से कहा, सोचो तो रमेश, आज से 800 वर्ष पहले न तो पक्की सड़कें थीं, न मोटरें, न रेलें और न बड़े बड़े पत्थरों को उठाने वाली मशीनें। तब किस तरह इतना सारा संगमरमर देश के दूर दूर भागों से इस ऊंचाई तक लाया गया होगा। बात यह है कि मनुष्य लगन और परिश्रम से सब कुछ कर सकता है। इनको बनाने वालों के मार्ग में विघ्न बाधाएं तो अवश्य आई होंगी, पर मनुष्य ने विघ्न बाधाओं से हार कब मानी है? देलवाड़ा के जैन मंदिर। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, विषय संपादक सत्येंद्र वर्मा और लता पांडे, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार कनकलता, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।